أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आमीन या रब्बल आलमीन बसमन रहीम अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को नबुवत मिलने से पहले का ये आज आखिरी लेक्चर है यानी अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो आप अलैहि वसल्लम पे वही का सिलसिला जो शुरू होता है और आप को नबुवत से जब सरफराज किया जाता है तो उस स्टोरी को और यानी सीरत में हम उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शुरुआत हो रही तो आपकी नबूवत से पहले पहल में तमाम वाकयात में अब ये आखिरी कड़ी बचती है और आखिरी इंपॉर्टेंट स्टोरी बचती है इसको बयान करने के बाद इनशा हम आपली वसम पे नबूत का और वही का सिलसिला जो है वो शुरू होता है उसकी स्टडी करना शुरू कर देंगे एक और ख़ास बात ध्यान रखने की है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के सिलसिले को पढ़ेंगे और नबूवत को पढ़ेंगे तो वाकयात के साथ साथ जो आयतें उस कॉन्टेक्स्ट में उतरी हैं जो आयतें कुरान की उस किसी ख़ास वाक़े के तनाजर में उतरी हैं उसको भी हम यहाँ कवर करते चलेंगे ताकि आप सीरत को पढ़ने के बाद जब कुर मजीद की आयत पढ़ें तो आप बखूबी रिलेट कर पाए कि कुरान की कौन सी आयत सीरत के किस पॉइंट पे नाजिल हुई थी और उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से क्या कनेक्शन है और आम हालात जिंदगी से उसका क्या तालमेल है तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होगा और हमेशा से सीरत पढ़ाने का और पढ़ने का और कुरान की तफासिर पढ़ने और पढ़ाने का यही तरीका रहा है कि कुरान को सीरत के कॉन्टेक्स्ट में रख के समझा जाए और फिर उससे एक्स्ट्रापोलेट करके रिजल्ट्स जो हैं डिराइव किए जाएं जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होगा इन इसको हम फॉलो करेंगे कि जो भी वाकयात हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आयात उतरी हैं कुरान की जाहिर है पूरा कुरान तो कवर नहीं हो पाएगा यहाँ मुमकिन ही नहीं है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात होंगी वो इनशाला हम यहाँ कवर करेंगे फिर उससे रिलेटेड और जो आप सूरतें हैं और आयात पढ़ेंगे कुरान के अंदर तो आप फिर उन वाक़ात को भी रिकॉल कर पाएंगे ठीक है तो ये आज आखिरी वाक़ हम पढ़ रहे हैं नबूत से पहले का वो है हज़रत ज़ैद इबन हारिसा ये जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तालू के तल्ल से और ये बहुत मशहूर और बहुत इम्पॉटेंट सहाबी हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और नबूत से पहले इनका एक ख़ास यानी जैद बिन उन सहाबा में से हैं जिनका जिक्र क़ुरान में और वाद सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान में नाम के साथ आया है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाब हैं उनमें से ये वाहिद हैं जिनका नाम लेके मजीद में जिक्र आया है जिक्रया हैजाब के अंदर इनके अलावा किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं कि उनका नाम कुरान में बयान हो जिक्र है यानी इशारतान कुरान के अंदर सयदना अबू बकर की तरफ भी इशारा है और हजरत अली की तरफ भी इशारा है हजरत हमजा की तरफ भी है और बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं जिनका जिक्र इशारतान कुरान की आयात उनके वाकत के तनाजर में नाजिल हुई हैं बहुत से और यानी उसकी लिमिटेशन नहीं है लेकिन नाम के साथ वाहिद ये सहाबी हैं तो ये इस एतबार से तमाम सहाबा में मुमताज़ हैसियत जैद बिन हारिसा को हासिल है ठीक है अच्छा सिर्फ ये फजीलत हासिल नहीं है बल्कि इनके ताल्लुक से और आगे भी इनके फजाइल में बयान करूंगा और क्यों इनका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ वो भी वाकई आपके सामने आ जाएगा लेकिन इनकी फजीलत भी इस तरह से है कि अम्मा आयशा रजील फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल वसलम ने कोई भी वफद या कोई भी डेलीगेट ऐसा नहीं भेजा जिसमें जैद बिन हारिसा मौजूद हो और उन्हें इमाम न बनाया यानी कि जिस भी जंग में या जिस भी वफद में जिस भी डेलीगेट में जैद बिन हारिसा शामिल होते थे उस डेलीगेट का लीडर अल्लाह के रसूल वसल्लम वैद बिन हारिसा को ही बनाते थे ठीक है यहाँ तक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर की मौजूदगी में अबू बकर और उमर के ऊपर जैद बिन हारिसा को इमाम जो है मुकर किया हुआ है तो इससे एक और बात समझ में आती है जैसा कि अहले सुन्नत वाली जमात में ये इजमा है कि उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ अबू बकर और उमर हैं इनके बावजूद एक ऐसे सहाबी यानी जैद बिन हारिसा को ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह के रसूल ने उन दोनों की मौजूदगी में भी जैद बिन हारिसा को लीडर बनाया है तो ये भी इनकी मुमताज़ फजीलत है ठीक है इनके बारे में एक और लकब है जो अहादीस की किताबों में और सीरत की किताबों में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है और साहबा जो है जैद बिन हारिसा को बग़ैर नाम के भी उस लक़ब से पहचान जाते थे और वो लक़ब है तो हिब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब शख्सियत की महबूब शख्सियत तो हिब्बन्न नबी के नाम से भी जैद बिन हारिसा मशहूर थे और ये लकब किसी और को जो है सहाबा में नसीब नहीं हुआ तो आम तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते मतलब इस्लामी यानी अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री से और साहबाकराम की तारीख से या सीरत से तो वो जैद बिन हारिसा के बारे में नहीं जानते अबूबकर सिद्दीक उमर फ़ारूक ऊस्मान गनी और अली रज़ी अल्लाजमीन आन्हु, के बारे में तो जानते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं जानते तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत रिलेवेंट हैं ये सीरत के बहुत सारी स्टोरीज से बहुत जगह कनेक्टेड है इनकी बात जो है और हम इनकी इनकी स्टोरीज़ को कई मकाम पर सीरत में पढ़ेंगे अभी मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन इनका दूंगा इनकी बहुत सारे वाकत आगे भी सूर एहजाब यानी जब हम बैटल ऑफ कन्फेडरेट्स पढ़ेंगे या जिसको जंग खंदक कहते हैं या जंग एहजाब कहते हैं उस सिलसिले में भी जैद बिन हारिसा का जिक्र आ जाएगा फिर जैद बिन हारिसा का जिक्र जंगे मूता के मौके पर भी आएगा जिसमें इनकी शहादत हुई थी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही शहीद हो गए थे ठीक है और और भी दो तीन वाकयात हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में जैद बिन हारिसा का जिक्र आएगा तो इन आगे भी सीरत में फ्रिक्वेंटली ओकरिंग नेम्स में से इनका नाम है और बहुत ऊंचा मुकाम इनको हासिल है अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वफद को ऐसा नहीं भेजा जिसमें जैद बिन हारिसा शामिल हों और उन्हें क़ायद और लीडर न बनाया हो अल्लाह के रसूल ने तो ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है फिर हिब्बुन नबी का लक़ब जो है अपने आप में बहुत यानी मुमताज़ फजीलत इनकी आम अब रसूल पर इनको खासी फजीलत हासिल है यहाँ तक के जो यानी आश्रा मुबशर साहबा हैं और जो बहुत मुमताज़ हैं दर्ज सहाबियत में उनमें भी ये मुमताज़ शख्सियत हैं तो ये सारी बातें हैं जो आगे भी इन आ जाएंगी तो इनका जिक्र सिर्फ इनकी फज़ीलत की वजह से नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी इन इनकी ज़ात को हासिल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत से पहले भी और बाद में भी तो पहले वाला जो इनका रोल है उसका जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं ठीक है जैद बिन हार तो अभी तक जो बातें कही गई हैं मैं समझता हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गई हैं अब जैद बिन हारिसा की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं इससे पहले कि जैद बिन हारिसा की के का रसुल्लासम के साथ क्या कनेक्शन है इसको समझने के लिए हमें जैद बिन हारिसा की स्टोरी समझनी होगी उनका बैकग्राउंड तो इनका बैकग्राउंड क्या था ये कुरैशी नहीं है ये कुरैश कबीले से ताल्लुक या बनो हाशिम से इनका ताल्लुक नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक अदनानी भी नहीं है अदनानी उनको कहते हैं जो आमतौर पर इस्माईल अम की लीनियज में एक शख्स था अदनान जिसके लिनियज से कुरैश वगैरह सब लोग थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी लीनियज से थे इसमाइल आसम की औलाद को के एक ख़ास तबके को अदनानी अरब कहा जाता है ठीक है मैं पहले बता चुका हूँ यानी टाइप्स ऑफ अरब जो हमारा मेरे ख्याल में चौथा लेक्चर था यूट्यूब पे अवेलेबल होगा उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं कि अरब की कैट, कैटेगरीज क्या थी तो उसमें अदनानी अरब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदनानी अरब थे और कुरैश भी बिलुमूम अदनानी अरब है तो ये जो थे ये अदनानी नहीं थे ये कहतानी अरब थे यानी जो ओरिजिनल अरब थे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले भी जो इस ख़े यानी अरबियन पेनिनसुला में आबाद कबाइल थे उनको कहतानी अरब कहा जाता है और उनकी नि निस्बत जो है वो यारिब बिन कहतान की तरफ है अब वो यानी चूँकि वो बातें हो चुकी हैं तो मैं रिपीट नहीं करूँगा जिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट हो वो जाके वहां दोबारा सुन सकते हैं तो ये ओरिजिनल अरबिक ट्राइब से थे और ये इस्माइल इस्माईलम की औलाद में नहीं थे समझ लीजिए ये इस्माइल इस्माईलम की औलाद और इब्राहिम की औलाद में से नहीं थे, थे, थे लेकिन ये ओरिजिनल अरब थे ठीक है तो कहतानी अरब थे और ये ग़ुलाम नहीं थे इनके बारे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये गुलाम थे ये हकीकत में गुलाम नहीं थे बल्कि ये एक आज़ाद शख्स थे लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि इनके जिस ट्राइब का के ये हिस्सा थे उस ट्राइब का अपने दुश्मन ट्राइब के साथ

तो इन दो ट्राइब्स के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया यानी जैद बिन हारिसा के मदर के ट्राइब से और जैद बिन हारिसा के वालिद के ट्राइब के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो इनका यानी कि नानिहाली ट्राइब था उसने जो है इनके ओरिजिनल ट्राइब जो कि अरब में सन वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फादर या सन वॉज एस्क्राइब टू फादर तो एक बच्चा जो होता था उसकी हैसियत उसकी असल नस्बत उसके बाप के कबीले की तरफ होती थी और जैसा कि हमेशा होता आया है हर सोसाइटी के अंदर तो जो नानिहाली ट्राइब था उसने अटैक कर दिया इनके कबीले पर और दुश्मनी बहुत सख्त हो गई थी और यानी इंसान जब दुश्मनी में आगे बढ़ जाता है तो फिर कुछ भी कर जाता है ये इस्लाम से पहले के वाक़ हैं तो जो नानियाली ट्राइब ने अटैक किया जैद बिन हारिसा के औरजिनल ट्राइब पे यानी फादर के ट्राइब पे और बहुत से हो ने, दूसरे ने, दुश्मन कबीले ने अटैक कर दिया कैद हो गए कैद होने के बाद दुश्मन कबीले ने इनको बहसीत गुलाम जो है उजा के बाजार में बेच दिया काजा एक मार्केट था बड़ा मार्केट लगता था हज के मौसम में अरब के अंदर तो उस मार्केट में चूंकि स्लेव ट्रेडिंग बहुत कॉमन थी इस्लाम से पहले और आमतौर पे लोग ग़ुलाम जो है बेचा और ख़रीदा करते थे और यानी ग़ुलामों कोई हक हासिल नहीं था अब ये एक अलग मौजू है फिर इन जब वक्त होगा और जब मौके की मुनासिबत से हम इस पे बात भी कर लेंगे बाद में लेकिन अभी वो मौजू नहीं है तो आमतौर पे प्री इस्लामिक अरेबिया में उक्काज़ा में एक बाजार लगता था जिसमें गुलाम वगैरह बेचे जाते थे, तो जैद बिन हारिसा, के दुश्मन ने जैद बिन हारिसा को कैद करके जबकि ये सात आठ साल की उम्र के रहे होंगे इनको कैद करके जो है उक्काजा के बाजार में गुलाम की हैसियत से बेच दिया अब जाहिर है बिक गए इतफाक देखिए अल्लाह ताला को जो चीज मंजूर होती है तो गलत लोगों के गलत करने से भी अल्लाह ताला अपने काम का रास्ता निकाल लेता है क्योंकि तमाम चीजें जो अल्लाह के कब्जे कुदरत में तो जैद बिन हारिसा को जब बेचा गया मार्केट के अंदर तो उनको खरीदने वाले शख्स का नाम था हकीम इबन हिजाम हकीम इबन हिजाम हकीम इबन हिजाम जो थे ये कुरैश से ताल्लुक रखते थे और कुरैश से ही ताल्लुक सिर्फ नहीं रखते थे बल्कि ये सैयदा खदीजा रजी के भतीजे थे ठीक है और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ने अपने घरेलू काम वगैरह के लिए इनको पैसे दे रखे थे कि तुम जाके कोई अच्छा सा गुलाम खरीद के ले आओ जो कि वो आम रिवाज था अरब के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ लेबर हायर किए जाते हैं उनके यहाँ गुलाम खरीदा जाता तो वो गुलाम खरीद के तुम मार्केट से ले आना और वो हमारे घर के काम में हाथ बटायेगा तो हकीम इबन हिज़ाम को जैद बिन हारिसा पसंद आ कहा यह अच्छा बच्चा है और छोटे मोटे घर के काम भी कर लेगा कोई इशू भी नहीं होगा तो उन्होंने खरीद के बीबी खदीजा को दे दिया कुछ साल बीबी खदीजा के पास ही जैद बिन हारिसा रहे लेकिन जब बीबी खदीजा की का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया जैसा कि पहले हमने पीछे चैप्टर्स में बयान कर दिए हैं पिछले में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन बीबी खदीजा ने जैद बिन हारिसा को हिबा कर दिया तोहफे में के तौर दे दिया तो जैद बिन हारिसा का सफर आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को मंजूर था कि वो अपने घर के चैन सुकून से निकल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आ जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को फर्स्ट हैंड देख पाएं इसके नतीजे में वक्ती तौर पे क्या नुकसान उठाना पड़ा जैद बिन हारिसा को अल्लाह की मंशा मर्जी के मुताबिक के उनके कबीले पर रेड पड़ गई और ये गुलाम के तौर पर जो है काजा के बाजार में बेच दिए गए इतफाक़न अल्लाह तला की मर्जी के मुताबिक इतफाकन ये इनको खरीदने वाले शख्स जो थे वो सैयदा खदीजा के भतीजे थे और फिर सैदा खदीजा का जब निक, निकाह हुआ अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के साथ तो सैदा खदीजा ने जैद बिन हारिसा को तोहफे के तौर पे अल्लाह के रसूल को दे दिया तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सलील वसलम की, की खिदमत में जैद बिन हारिसा पहुँच गए अपनी बहुत ही कच्ची उम्र में नौ दस साल की उम्र में ये जो है वो तकरीबन नौ दस साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की खिदमत में हाजिर हो गए तो ये पूरी जर्नी है जैद बिन हारिसा की अपने कबीले से आजाद शख्सियत होते हुए आजाद बच्चे के तौर पे से निकल के गुलाम के तौर पे आप वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना ये एक जर्नी है अब इसके आगे का वाक्य हम इनशा पढ़ेंगे तो अब जैद बिन हारिसा की इंट्री हो गई है अल्लाह के रसूल सल्लाम की जिंदगी में जो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है अब इन शाह तो आगे अब हम पढ़ते हैं अभी तक मैं समझता हूँ कि जो बातें कही गई है आप लोगों को समझ में आ रही है और किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं हुआ होगा क्या मेरी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है या नेटवर्क का इशू हो रहा है चलिए ठीक चलिए आगे कैरी करते हैं इंशाल्लाह ठीक है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब जैद बिन हारिसा रहने लगे अब आप जरा तस्वुर कीजिए कि अरब के अंदर गुलामों की क्या हैसियत थी जैसा कि यानी तारीख के मुताले से ये बात वाज़ा होती है कि जानवरों के जैसा ट्रीटमेंट जो है गुलामों के साथ किया जाता था और उस जमाने में पूरी दुनिया में ही आलम था ठीक है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेलेक्टिव थे गुलामों के मामले में बहुत वीक थे अरब में भी था अरब में कुछ चंद लोग थे जो अच्छा सलूक कर लेते थे थोड़ा बहुत लेकिन ये गुलाम का बाय लॉ कोई राइट नहीं था देर वॉज नो ए, रेगुलेटरी बॉडी या कोई लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं था जिसके जरिए गुलाम के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है ऐसी सूरत हाल में जबकि लीगली गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती थी ना सिटीजन के तौर पे और ना ही उसका कोई अपना राइट होता था वो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास जैद बिन हारिसा रहने लगे और आप वसल्लम के बारे में यानी आपको बताने की जरूरत नहीं है ये बात आप में से हर कोई ये बात जानता है कि आप सलील सख्लाक और किरदार कितना बुलंद था लिहाजा आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती थी जैद बिन हारिशा ने उसमें ही रहते हुए एक शार्प कॉन्ट्रास्ट महसूस किया कि आम लोग जिस तरह गुलामों को ट्रीट करते हैं आप सल अम उससे बिल्कुल मुख्तलि और सिर्फ गुलाम के ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि दुनिया के हर मामले में आप अलैहि सुल वसल्लम बाकी लोगों से बहुत मुमताज़ हैं आपका लेन देन का तरीका बहुत अलग है आपका मामलात का तरीक़ा बहुत अलग है आपके अंदर सच्चाई बहुत ज़्यादा है आपके अंदर अमानतदारी है आप दूसरों को धोखा नहीं देते आप किसी वक्त जो है प्लानिंग नहीं करते आपके बिहेवियर्स में कोई चेंज नहीं आता आप जो है बात बात पर गुस्सा नहीं करते ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो इंसान सुबह शाम ग़ुलाम की हैसियत से एक आदमी के अंदर रह रहा है क्योंकि इंसान अपने गुलाम के सामने जो है यानी कोई बहुत अच्छा फेस बना के नहीं रहता है ना जो आदमी का सबॉर्डिनेट होता है उसके सामने इंसान अपने गुस्से का भी इजहार कर देता है अपनी कमजोरियों का भी इजहार कर देता है ठीक है जो इंसान की जिंदगी को बहुत क्लोजली सुबह शाम दिन रात घर के अंदर देख रहा है वो इंसान सामने वाले इंसान की पूरी जिंदगी से और उसके पूरे कैरेक्टर से और पूरी शख्सियत से सबसे बेहतर तरीके से वाकिफ होता है तो जैद बिन हारिसा को यह खुशनसीबी हासिल हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया बचपन से और बच्चे जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं इस मामले में, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है ठीक है तो जब जैद बिन हारिसा ने महसूस कर लिया इस बात को कि आप इंसान नहीं है ना ही आपका बिहेवियर कोई आम इंसान जैसा है इंसान किसी के साथ हुसन सलूक एक लिमिट तक ही कर सकता है दो चार बार तीन बार गुस्सा तो करेगा ही है ना कई बार जो है वो इंसान छोटे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं इंसान उनको डांट देता है ठीक है ये सारे औसाफ और कैरेक्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद ही नहीं थे आप यानी यानी दूसरी यानि दूसरी एक हदीस आती है अनस बिन मलिक रजी फरमाते हैं बरस रहा और कभी भी अल्लाह के रसूल वसल्लम को ये कहते हुए नहीं सुना कि उफ अनस तुमने ऐसा क्यों किया यानी इंसान जो है छोटे बच्चों को तो बज बा, दफा डांट देता है ना लेकिन वो फरमाते हैं कि मैं 11 साल की मुद्दत में सुबह शाम का हर एक लम्हा आप वसल्लम के साथ गुजारा हूं और मैंने पूरे ग्यारह साल की मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार ये भी कहते हुए नहीं सुना कि अनस तुमने ये काम ऐसे ही नहीं ऐसे क्यों नहीं कर लिया इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को और आमतौर पे अपने से कमजोर लोगों को और सबऑर्डिनेट्स को किस तरह ट्रीट करते थे तो जैद बिन हारिसा भी इसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से नोट कर रहे थे ठीक है तो अल्लाह के रसूल सल्लम हालांकि उस वक्त कभी नबी नहीं बने थे लेकिन आप सल्हम की शख्सियत के अंदर इखलाकी उसूल अपने एतबार से बमाम कमाल मौजूद थे नबूवत से पहले भी गोया के इखलाकी एतबार से इखलाकी उसूल के एतबार से और अमली जिंदगी में और मामला में अल्लाह के रसूल सल्म बिल्कुल यानी कैरेक्टर की तकमील तक पहुंच चुके थे नबूत से पहले भी ये बहुत अहम पॉइंट है समझना क्योंकि आम तौर पे अगर हमें लगता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद इस तरह की कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ऐसा नहीं है आपके अंदर का जो इखलाक और आपका किरदार था आपके अंदर जो इंसानी खूबियां होती हैं इंसानी क्वालिटीज होती हैं वो सारी की सारी नबूवत से पहले बतमाम कमाल मौजूद थी ठीक थी? है ये सारी चीजें ऑब्जर्व जैद बिन हारिसा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे तो इस तरह से जब जैद बिन हारिसा धीरे धीरे बड़े होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके अंदर वालिहाना मोहब्बत पैदा हो गई जाहिर है कोई भी शख्स जो है वो हुजूर के साथ अगर रहेगा और हुजूर के साथ मोहब्बत ना हो ये मुमकिन नहीं है जैसा कि सैयद अबुल हसन अली नदवी रहीम फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम हैं पिछली सेंचुरी के और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है उर्दू जबान में भी अरबी में भी और बहुत यानी हिंदुस्तान के हैं और बहुत ऊंचा नाम है इनका आलम है, अरब में भी और पूरी दुनिया है, आलम है, इस्लामी में हर जगह इनका नाम है तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की शख्सियत और किरदार और किसी दूसरे नेक इंसान की शख्सियत और किरदार में एक बुनियादी फर्क है कि आम तौर पर जो नेक लोग होते हैं या आम तौर पर जो इंसान होता है उसकी खूबियों से और उसके कैरेक्टर से ज़्यादा वो लोग मुतासर होते हैं जो उससे दूर होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान का लेक्चर सुन रहे हैं आप किसी इंसान की इलमी गुफ्तु सुन रहे हैं तो आप उससे बड़ा मुतासर होंगे लेकिन जितना कम उसके बारे में आप जानेंगे उतना ज्यादा मुतासर होंगे है ना क्योंकि उसकी आउटवर्ड गुड क्वालिटीज आपके सामने हैं उसकी बुरी क्वालिटी कुछ भी नहीं सामने तो वो फरमाते हैं कि जो आम नेक लोग होते हैं उनमें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुनियादी फर्क ये है कि आम इंसान की खूबियां और आम इंसान की क्वालिटीज उन लोगों पर ज्यादा वाजह होती है जो उनसे दूर होते हैं और बुराइयां उन पे ज्यादा वाजा होती है जो करीब होते हैं जाहिर है घर में रहने वाले आपके माँ बाप हैं आपकी बीवी हैं आपके बच्चे हैं आपके घर में काम करने वाले हैं आपके भाई हैं सुबह शाम जिनके साथ आपका उठना बैठना जिन कलीग्स के साथ है वो आपकी बुराइयों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं आपके किरदार कर के अंदर या कैरेक्टर के अंदर जो कमी है वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं तो वो आपसे उस तरह मुतासर नहीं हो पाते जैसे दूसरा शख्स जो आपका हफ्ते वारा हफ्ते बार एक बार लेक्चर सुनता है दर्द सुनता है वो इंसान आपसे ज़्यादा मुतासर होगा आपकी इलमी गुफ्तु से लेकिन जो करीब है तरह मुतािर नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर बुराइयाँ भी वाज़ा होती हैं खूबियाँ भी वाज़ा होती हैं लेकिन दूर वाला तो सिर्फ ख़ूबी देख रहा होता है लेकिन वो लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ली व्म की खासियत ये है कि जो शख्स आप से जितना करीब होता जाता था उतना ज़्यादा आपसे वाल और वालाना मोहब्बत और मजनून सी मोहब्बत जो है आपसे उसके अंदर पैदा हो जाती थी यही वजह है कि हम गौर करते हैं तो अब सहाबा जो करीब वो ज्यादा आपके ऊपर जान नौछावर करने के लिए तैयार जो दूर हैं वो उस तरह से नहीं और जो उससे दूर है वो उस तरह से नहीं यानी ये दर्जाबंदी हम सहाबा के दरमियान भी यानी महसूस कर सकते हैं तो ये किसी भी इंसान के किरदार और कैरेक्टर का सबसे बड़ा हुज्जत और सबूत होती है प्रूफ होती है एविडेंस होती है कि उसके करीब के लोग उसकी बहुत करें और ये इस मामले में हजू सलम को खासा इम्तियाज हासिल है कि आप से जो लोग जितने करीब होते थे उतना ज्यादा आपसे मुतासर हो जाते थे क्योंकि बुराइयां तो कुछ थी नहीं और सिर्फ और सिर्फ खूबियां और मजीद वो वाजा होती चली जाती थी तो जैद बिन हारिसा के साथ भी यही हुआ और हजूर से मोहब्बत इस दर्जे शदीद आपके दिल में पैदा हो गई कि फिर अब हुजूर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी सूरत में इस इस से रिलेटेड एक वाक आगे बयान कर रहा हूँ वो ये है कि अब जैद बिन हारिसा के वालिद को जब यानी मालूम चला कि उनके बेटे को जो है उजा के मार्केट में बेच दिया गया था गुलाम के तौर तो पर तो अब उन्होंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया तो वो हमेशा हज में जाते और लोगों से ऐलान करते कि एक बच्चा है ऐसी ऐसी कैरेक्टर है ऐसी ऐसी सिफत है उसके अंदर और अगर कहीं मिले तो मुझे इनफॉर्म कर दिया जाए तो इस तरह से जैद बिन हारिसा के फीचर्स को उनके वालिद जगह-जगह एडवर्टाइज़ करते रहे, तो लोगों में ये चर्चा हो गया कि ये हारिसा का जो बेटा है वो गायब हो गया है तो जब ये चर्चा आगे बढ़ गया तो कुछ लोगों ने जैद बिन हारिसा को मक्का के अंदर दौरान हज हज के सीजन में देख पहचान लिया कि इसके वालिद जो यानी हारिसा जो जैद बिन हारिसा के वालिद थे वो जो फीचर्स बयान कर रहे हैं वो इसी बच्चे के अंदर है लिहाजा फिर जो है वो नोटिफाई किया गया हारिसा को जो जैद बिन हारिसा के ओरिजिनल वालिद थे उनके ट्राइब्स में जाके कि फला फला फलाश का एक कबीला बनु हाशिम का में एक शख्स है जो अब्दुल मुतलिब के पोते मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब को दूर दूर तक लोग जानते थे और हुजूर को जमाने में कोई उस वक्त तक नहीं जानता था क्योंकि आपकी उम्र जो है कम थी अभी नबूवत मिली नहीं थी आपको तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद के पास तुम्हारा बेटा रह रहा है तो जैद बिन हारिसा जो थे यानी जैद बिन हारिसा के वालिद उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हाजिर हो गए पता लगा के कहा ये रहते हैं किस तरह से और बड़े खुश हुए तो जब हाज़िर हुए हुजूर के पास तो हुजूर के सामने कहा कि एल, ए मोहम्मद आप बहुत ऊंचे नसब से हैं अरब के अंदर जब आपको किसी से काम निकलवाना हो तो उसके नस्ब की तारीफ़ की जाती थी क्योंकि हसब व नसब बहुत ऊंची चीज़ मानी जाती थी अरब के अंदर और वाक़ता अल्लाह के रसूल सबसे ऊँचे या सबसे आला नसब थे लेकिन अरब का रिवाज था कि जब वो किसी से कोई फ़ायदा या कोई बात मनवाना चाहता था तो पहले उसके बुज़ुर्गों की उसके बड़ों की तारीफ़ करता था ठीक है और ये हर जमाने में रहता है इंसान को सामने वाले से कोई काम करवाना होता है तो कहता है ना कि आपके अब्बा तो बड़ा यानी बड़े नेक इंसान थे वो बहुत खर्च किया करते थे उसके बाद जाके सामने वाले से अपनी डिमांड रखता है तो ये तरीका हर जमाने में हर ए, कल्चर में रहा लेकिन अरब के अंदर ये चीज ज्यादा थी तो हारिसा ने यानी जैद बिन हारिसा के वालिद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद आप बड़े ऊंचे नसब से हैं आप बहुत अमानतदार हैं आपको सादिक व अमीन कहा जाता है मक्का के अंदर तो ये मेरा बच्चा जो है जैद बिन हारिसा जैद ये ज़ालिमाना तौर पे मुझसे जुदा कर दिया गया और यानी गुलाम बना के इसको बेच दिया गया है उकाज़ा के बाजार में वो आपके पास है तो मेरी अल्तजा और गुजारिश आपसे ये है कि आप जो है इस बच्चे को हमारे हमें लौटा दें और जो भी पैसा आप हमसे चाहते हो रैमसम के तौर पर कंपनसीशन के तौर पर वो सारा पैसा जो है आप बढ़ा के भी दाम बोलें तो हम जो है वो आपको देने के लिए तैयार हैं आप बस पैसा अपनी डिमांड रखें और हमारे बच्चे को हमारे पास लौटा दें अब ये मौका देखिए अब यहाँ पे समझने की बात है एक चीज मद्देनजर रख लीजिए कि अरब के कायदे कानून के मुताबिक अगर आपने गुलाम खरीद लिया तो यू आर नॉट ऑबलाइज टू रिटर्न दैट टू हिस्सा मतलब नो मैटर वॉट कि वहां के कायदे कानून के मुताबिक आप वसल्लम वाज नॉट ऑबलाइज टू रिटर्न जैद ठीक है यानी हारिसा को अगर अल्लाह के रसूल नहीं लौटाते तो बिल्कुल कोई गलत नहीं होता वहां के कायदे कानून के मुताबिक ठीक है दूसरी बात भी ये भी जहन में रखें कि कोई लीगल बॉडी नहीं थी अरब के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट नहीं थी जो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोर्स कर सकती थी बाय लॉ के आप जो है रिटर्न करें तो देर वाज नो प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म फॉर द राइट्स ऑफ स्लीव एंड देर वाज नो मैकेनिज्म नो रूल एंड गवर्नेंस सिस्टम विच कैन इंश्योर कि जैद बिन हारिशा को उनके वालिद के पास पहुंचा दिया जाए तो इस चीज को मद्देनजर रखिए अब अल्लाह के रसूल सलम ने क्या जवाब दिया जैद बिन हारिशा के वालिद को कहा कि देखिए आप खुद जैद से पूछ लीजिए अगर जैद जाना चाहें तो मैं आपसे एक रुपए भी कंपनसेशन के तौर पे नहीं लूंगा यह भी बहुत बड़ी बात थी यानी आप तस्वर कीजिए कि गुलाम खरीदने में कुछ पैसा लगा है इंसान का अपना इन्वेस्टमेंट हुआ है और गुलाम वापस करने का तो कोई रिवाज ही नहीं था अरब के अंदर तो उस जमाने के मोरल स्टैंडर्ड्स को जहन में रख के आप सोचें कि आप सल्लासम ने कहा कि अगर जैद खुद तैयार हो जाता है वापस जाने के लिए तो फिर मैं कुछ भी रैंसम नहीं लूंगा कोई बात नहीं आप वापस ले जाएं इसकी मर्जी और अगर वो नहीं तैयार होता आपके साथ जाने के लिए तो जाहिर है कि मैं फिर फोर्स नहीं करूंगा कि मुझ अपने आप से जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा कि खुद से मुझसे मुझ अलग नहीं करूंगा मैं तो अब जाहिर है कि ये बात तो उसके वालिद तो समझिए कि वो यानी कि खुशी से फूले नहीं समाया हारिसा के वाल फादर को इससे खुशी नसीबी नहीं हो सकती थी उन्होंने सोचा कि जैद तो कभी मना ही नहीं करेगा अपने बाप और चाचा के साथ जाने के लिए वो तो चारों हाथ पैर से तैयार हो जाएगा कोई भी इंसान गुलाम के तौर पर थोड़ी रहना चाहता है वो तो आजाद रहना चाहता है और प्लस जीरो कंपेंसेशन तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात इससे बड़ी यानी कि यू कह लीजिए कि ब्लिसफुल बात कोई दूसरी नहीं हो सकती थी उस मौके पर तो अब ये हारिसा जो थे बड़े खुश हो गए उन्होंने कहा कि आपने बड़े इंसाफ की बात कही है बहुत आला बात कही है क्योंकि ये तो श्योर थे कि जब मुझे देखेगा जैद फौरन जो है तैयार हो जाएगा हमारे साथ जाने के लिए और मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है आप बुलाएं जैद को और बात कर लेते हैं तो जैद को बुलाया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जैद से कि क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो तो जैद ने कहा बिल्कुल पहचानता हूँ ये मेरे बाप है और ये मेरे चचा है ठीक है तो कहा कि इन लोगों ने ये हजूर सल्ला ने जैद को कहा कि इन लोगों ने ये प्रपोजल रखा है कि तुम अगर इनके साथ जाना चाहो तो इनके साथ चले जाओ अगर मेरे साथ रहना चाहो तो मेरे साथ रह लो ये वो मौका है जब जैद बिन हारिसा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कहा अल्लाह के रसूल सल्हलम ये कैसे मुमकिन है कि मैं दुनिया में किसी शख्स को भी आपके ऊपर तरजीह दे दूँ अब ये तस्वुर कीजिए कि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ गुलाम का कोई राइट नहीं है हर वक्त गुलाम ये चाह रहा है कि गुलामी से बाहर निकल बाहर निकल के अपने घर वालों के पास चला जाए और ये ट्रेडिशनल गुलाम थे भी नहीं ये तो आज़ाद इंसान थे आज़ाद इंसान को ग़ुलाम जब बनाया जाता है तो ज़्यादा परेशानी होती है ना जैसे कोई एक इंसान बहुत अमीर था और फिर उसको गुर्बत फेस करनी पड़े और खाने पीने के लाले पड़ जाएं तो बड़ा बहुत मुश्किल है उसके लिए वो चीज सर्वाइव करना एक आदमी जो है वो खानदानी या ट्रेडिशनली गरीब ही रहा है तो उसके लिए गुर्बत सर्वाइव करना उतना मुश्किल नहीं है बिकॉज ही इज टू ऑफ ऑल यूजीज बट एक आदमी जो एक अच्छी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने का आदि हो गया अब उसको दोबारा से गुर्बत में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है उसी तरह एक गुलाम को गुलामी में रहना कंपैरेटिवली आसान है कंपैरेटिवली हालांकि वो भी बहुत मुश्किल है उस जमाने में। लेकिन आजादी को तरजीह नामुमकिन तरजीह दे सकता हूं जबकि मैंने आपके अंदर वो इखलाक देखे हैं जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे तो मैं हरगज हरगिज अपने बाप और चचा के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा बल्कि आपके साथ रहना पसंद करूंगा ये एक स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है बाहिर ये एक जरा यानी इमोशनल स्टेटमेंट या एक कह लीजिए कि वेल सॉर्टेड स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन अपने आप में गौर करने की बात है कि एक इंसान एक बच्चा अपनी ग़ुलामी को कैसे तरजीह दे सकता है एक अनोन एक ऐसे इंसान जिसके साथ उसका ब्लड रिलेशन भी नहीं है उसके साथ ग़ुलामी में रहने को कैसे तरजीह दे सकता है अपने बाप और चाचा के साथ रहने के मुकाबले में ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम का अखलाक और किरदार और मोहब्बत इतनी ज़्यादा हारिसा के दिल पे यानी या, यानी उनके दिल पे बैठ चुकी थी कि अब उनको अपने बाप से भी वैसी मोहब्बत बाकी नहीं रही थी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्म के किरदार और आपकी पर्सनैलिटी का की सबसे बड़ी हजत और एविडेंस है ठीक है अफजैद के जो बाप थे उनको तो गुस्सा आ गया कि यानी यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई शख्स जो है अपने बाप चाचा को छोड़ के गुलामी को कबूल कर रहा है तो उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम कैसे जो है गुलामी को कबूल कर सकते हो आज़ादी के बिलमकाबल वो भी आज़ादी के तुम अपने वालिद के पास बाप और चचा के पास जा रहे हो जो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारी मोनिटरी भी बेनिफिट्स हैं सारी चीजें हैं तो ज़ैद ने कहा कि नहीं मैंने जो अखलाक़ इस शख्स के पास देखे हैं मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वम ऐसे मैंने कहीं नहीं देखे ना अपने बाप चचा में देखे ना किसी दूसरे शख्स में देखे लिहाजा मैं अब जिंदगी में जब तक मेरी हयात है मैं इनसे जुदा नहीं हूँ ये चीज़ जो है हजू सल वसम के दिल पर बहुत यानी असर असर डाली जाहिर है कि पहले भी हुजूर मोहब्बत तो करते ही थे जैद बिन हारिसा से लेकिन जब जैद बिन हारिसा ने पब्लिकली इस बात को साबित कर दिया कि मैं अपने बाप और चचा से ज्यादा अल्लाह के रसूल आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इसका काफी गहरा असर हुआ और आप फौरन जैद बिन हारिसा का हाथ पकड़ के मक्के के जो यानी हरम शरीफ में जो काबा था उस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे कुरैश की मजलिस हुआ करती थी और वो रैलिंग पॉइंट हुआ करता था अहले मक्का का वो यानी पब्लिक गैदरिंग पॉइंट था वहां पे खड़े होकर ऐलान किया कि ए, ए लोगों, ए लोगों लोगोंश के लोगों आज से तुम गवाह हो जाओ कि मैंने जैद बिन हारिसा को अपना बेटा बना लिया है यानी आई हैव जैद बिन हारिसा एज अ सन और अब जैद बिन हारिसा नहीं कहलाएगा बल्कि जैद बिन मोहम्मद कहलाएगा यानी चूंकि अब ये मेरा बेटा हो गया है लिहाजा ये जैद बिन मोहम्मद कहलाएगा और पब्लिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम ने इस बात का ऐलान किया कि मैं और जैद एक दूसरे के वारिस होंगे जिस तरह बाप और बेटे एक दूसरे के पैसे में पूरा हक रखते हैं है ना और एक दूसरे के पैसे को इनहेरिट करते हैं इस्लामी कानून के मुताबिक और अरब के पुराने कानून के मुताबिक भी उसी तरह आई विल विल बी बी द इनहेरिटर इनहेरिटर ऑफ जैद जैद एंड यानी मैं जैद का वारिस होगा और जैद मेरा वारिस होगा तो इस तरह से जो लीगली जिसको कहते हैं करना एज अ सन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली जो है वो अरब के अंदर कुरैश की मजलिस में ऐलान कर दिया और इससे फायदा ये हुआ कि एक तो ये कि यही आपलील्म और जैद के दरमियान का बॉन्ड जो है और मजीदी मज़बूत हो गया जैद को भी बहुत खुशी नसीब हुई क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐलान जब किया कि जैद को अपना बेटा बना रहा हूँ तो उसमें यह भी ऐलान किया कि आज से जैद आज़ाद है वो गुलाम नहीं है अब जाहिर बेटा बना लिया तो गुलाम थोड़ी रहेंगे तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि मैं जैद को आज़ाद करता हूँ और जैद को अपना बेटा बनाता हूँ और जैद मेरा वारिस होगा और मैं जैद का वारिस हूँ इस तीन चार अनाउंसमेंट से फायदा सबसे बड़ा क्या हुआ कि कि एक तो कनेक्शन मजबूत हो गया जैद बिन हारिशा को भी बड़ी खुशी महसूस हुई जो कि अब जैद बिन मोहम्मद हो गए और बाप जो थे, यानी थेद के जो बाप थे यानी और चचा, इन दोनों के दिल को भी इतमान हो गया कि वाकई अब हमारा बेटा जो है वो गुलाम नहीं है बल्कि वो आजाद शख्स के तौर पर मोहम्मद का बेटा हो गया है तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था सीरत से पहले और ख़ुद इब्न उमर रज़ी फरमाते हैं जो हज़रत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं चूंकि जैद का नाम जैद बिन हारिसा से तब्दील होकर जैद बिन मोहम्मद हो गया था तो खुद फरमाते हैं कि हम हम तो यानी जब तक सूरह एजाब की एक आयत नहीं उतरी सूरह एजाब में अल्लाह ताला ने ते आयत नाजिल फ़रमाई है कि लोगों को उनके असल बाप के नाम से पुकारो क्योंकि अरब में मशहूर हो गया था जैद बिन मोहम्मद तो अल्लाह ताला ने उस उस सिलसिले को ख़त्म किया कि उनको उनके असल बाप के नाम से पुकारो क्योंकि इंसान का ओरिजिनल रिकॉग्निशन जो है उसके फादर से होता है आपको मोहब्बत किसी से भी कितनी क्यों ना हो जाए आप अपने आप को अपने फादर की तरफ ही एस्क्राइब करेंगे ठीक है है तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने वालिद अब्दुल्ला से ज्यादा मोहब्बत जो है इब्राहिम से करते थे तो अल्लाह के रसूल अपना नाम मोहम्मद इबन इब्राहिम नहीं रख सकते थे हालांकि इब्राहिम से मोहब्बत उनकी ज्यादा थी नबी होने की हैसियत से भी तोहिद

और सीरत की किताबों में जैद बिन हारिसा ही मेंशन है लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी जब अल्लाह के रसूल ने ये अनाउंस किया कि मैं जैद को एज अ सन अडॉप्ट कर रहा हूं तो उनका नाम जैद बिन मोहम्मद हो गया और सूरह एजाब की जब आयत उतरी है तकरीबन इसके दरमियान जो है बीस साल बीस नहीं तक यूं समझ लीजिए पच्चीस साल का गैप है तो इस पच्चीस साल के पीरियड में जैद बिन हारिसा को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था इतना कॉमन था ये नेम कि अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि हमें कभी मालूम नहीं था कि जैद जो है जैद बिन मोहम्मद नहीं है जब तक कि यह आयत सुर एजाब की नहीं नाजिल हुई और जैद बिन मोहम्मद का नाम तब्दील करके जैद बिन हारिसा रख दिया गया यानी हम हमेशा समझते थे कि जैद अल्लाह के रसूल के सही में बेटे हैं ठीक है तो ये इससे एक और चीज पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैद बिन हारिसा के साथ कितना अच्छा सलूक किया कि असहाब रसूल में सबसे करीब तरीन साहबा में से एक है अब्दुल्ला इबिन उमर वो खुद फरमाते हैं कि हमें ये लगता था कि जैद एक्चुअल में बेटे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तक कि सूरह अहज़ाब की आयत उतर गई और जिसमें अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया कि लोगों को उनके बाप के नाम के साथ ही पुकारा जाए ठीक तो आयत कौन सी थी आयत यही थी कि अल्लाह अहज़ाब में फरमायादी लम लम। कि लोगों को उनके ओरिजिनल बाप के नाम से ही पुकारा करो बापों के नाम से ही पुकारा करो इंदल्लाह ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ से करीब है इन लम तलमू और अगर तुम उनके बापों के नाम को ना जानो व इन लम तलमान तो फिर ऐसी सूरत में जब उनके बाप के नामों को न जानो तो फिर उनको अपना दीनी भाई समझो क्योंकि वो तुम्हारे दीनी भाई हैं तुम्हारे रफीक हैं तुम्हारे साथी हैं तुम्हारे वली हैं तुम्हारे दोस्त हैं ठीक है लेकिन लोगों को यानी कि फॉल्स एस्क्रिप्शन जो है फॉल्स सब्सक्रिप्शन किसी दूसरे शख्स की तरफ न दी जाए बल्कि ओरिजिनल बाप की तरफ ही उनका सब्सक्रिप्शन दिया जाए चंद सवालात हैं जल्दी से मैं एड्रेस कर लेता हूँ बीच में अगर कोई क्रिटिकल हो तो सवाल ये है कि इन जैद बिन हारिसा केस ही चूज टू स्टे विद प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्टेड ऑफ हिज फादर फ्रॉम ए शाही पॉइंट ऑफ व्यू इज इट ओके टू रिफ्यूज टू गो एंड सर्व वंस पेरेंट इन सम केसेस सच एज दिस नहीं अभी चूंकि शराई इशू पे हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि इस्लाम इस वक्त आया ही नहीं था और शरीयत और वही का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्री रिविलेशन स्टोरीज हैं उनको हम शरीयत के पैमाने पे हमेशा जज नहीं करेंगे हाँ एक बार जब आयत और कुरान उतरने लगेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और नबूवत उतरने लगेगी तो फिर हम उसको शराई पैमानों पे जज करेंगे नो इट इज़ नॉट राइट मतलब लेकिन दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट मोर

इज़ इट राइट टू चेंज द नेम ऑफ मुस्लिम गर्ल आफ्टर मैरिज देखिए मैं इस ये बहुत डिटेल्ड इशू है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन का यहाँ मौका नहीं है बस यूँ समझ लीजिए कि फादर के तौर पे अगर आप एस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर नाम चेंज नहीं कर सकते लेकिन कुछ कल्चर्स में ये चीज़ कॉमन है कि नेम जब औरतें अपने हसबेंड का लेती हैं तो वो क्लियर कट अंडरस्टूड है कि वो हस्बैंड का नेम ले रही हैं ना कि अपने फादर का नेम चेंज कर रही जहां पे जिन कल्चर्स में ये कंफ्यूजन हो जाए कि इस एस्क्रिप्शन से फादर के नेम में चेंजेस आ जाएंगे उस कल्चर में ये हराम हो जाए ठीक है ये बहुत डिटेल्ड इशू है इस पे कुछ अहले हदीस जो है इस चीज को जायज नहीं समझते कि औरत अपने नाम को चेंज करे शादी के बाद लेकिन अक्सर क्लासिकल स्कॉलर्स ने इस पे कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई है क्योंकि असल जो नाम चेंज करने से मामनात आई है वो विरासत के सिलसिले में आई है ठीक है और वो बाप की तरफ एस्क्रिप्शन के सिलसिले में आई है। मेरे पास यहां इतना मौका नहीं कि मैं इस इशू पर तफ्ली कलाम कर सकूं तो तफ्ली गुफ्तु नहीं करूंगा बस शॉर्ट म्यू समझ लीजिए कि जहां पर यह क्लियर हो कि औरत अपने बाप के नाम को कंफ्यूज नहीं करेगी है ना या अपने बाप के एस्क्रिप्शन को कंफ्यूज नहीं करेगी वहां पे शौहर के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं लेकिन जिन कल्चर्स में शौहर के नाम और बाप के नाम में कंफ्यूजन होने के अंदेशा हो वहां फिर औरत अपना नाम शादी के बाद भी चेंज नहीं कर सकती ठीक है ये बहुत डिटेल तलब मौजू है ये फिकी क्वेश्चन है यहाँ पे मौका नहीं है मैं चाहता तो डिटेल में आंसर दे सकता हूँ क्योंकि इस मौजू पर कई लोगों ने हमसे सवाल किया हुआ है पहले भी लेकिन अभी ये मौका मुनासिब नहीं है ठीक है तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं अच्छा यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर नेम जो है या ओरिजिनल एस्क्रिप्शन जो है फादर की तरफ ही होगा बाद में कुरान की आयत जो है सूर एज़ाब में जंग एहज़ाब के मौके पर जब हम पढ़ेंगे जंग खंदक के मौके पर जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एडोप्टिड सन का जो हुक्म है वो इस्लाम में क्या है और एडोप्टिड सन को इनहेरिटेंस में से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और आप किसी यतीम को एज़ अ सन एडोप्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं तो वो क्या हैं वगैरह के क्या अहकाम हैं ठीक है के के क्या हैं हैं लिए किन में आप बच्चों को कर सकते है? यतीम बच्चे को अडोप्ट करना कितनी बड़ी नेकी है और उसके साथ उसमें सलू कितनी बड़ी नेकी है ये सारे मामला जो हैं यहाँ पर के नहीं है बल्कि वो जब हम बैटल ऑफ खंदक पढ़ेंगे बैटल ऑफ एजाब पढ़ेंगे तो उस सिलसिले में कुरानी आयात को सामने रख के मैं इस सारे मसले को इन तफसीली तफीली गुफ्तु के साथ समझाऊंगा अभी शॉर्ट में बस यूँ समझ लीजिए कि यतीम जो हो कोई शख्स जो है यतीम अगर है उसकी किफालत का बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सवाब है और बुखारी वगैरह की रवायत जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल असलम ने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दो उंगलियां होती हैं दो उंगलियों के दरमियान जिस तरह कोई गैप नहीं होता उसी तरह यतीम की किफालत करने वाला यतीम का ख्याल रखने वाला यतीम की परवरिश करने वाला यतीम के मामला को सही करने वाला यतीम से मोहब्बत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा बहुत बड़ी फजीलत है और इस ये फजीलत अपने आप में काफी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये वाली सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि यतीमों की किफालत की जाए जिस पे अहादीस में कुतुब अहादीस में भरमार अहादीस मौजूद है इसकी फजीलत के ऊपर वो चीज हमारी सोसाइटी से लैकिंग है और ये सुन्नत मिसिंग है इसको रिवाइव करने की जरूरत है लेकिन इनशाला इस मौजू पे हम जंग खंदक के जिमन में बात करेंगे यहां पे ये मौका नहीं है ठीक है तो जैद बिन हारिस के तल्लु से चूंकि हम पढ़ रहे हैं और आज ये स्टोरी हमें खत्म करनी है लिहाजा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन शह पांच मिनट में इस स्टोरी को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम अल्लाह के रसूल वसल्लम पे जो नबूवत का सिलसिला और शरीय के नजूल का सिलसिला और कुरान के नज़ूल का सिलसिला शुरू होगा तो हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे जैद लिव्ड विद अलैहि वसल्लम बिफोर अली रजी जी बिल्कुल अली रज़ी से काफी बड़े हैं जैद बिन हारिशा रजीला पैदा हुए हैं तो अल्लाह है के रसूल सल्हम की उम्र तकरीबन तैतीस साल थी और जैद बिन हारिसा आप के पास जब आए थे तो आपकी की उम्र सत्ताईस अट्ठाईस बरस थी तो यानी कि जैद बिन हारिसा तकरीबन पंद्रह सोलह साल के हो गए हैं तब हज़रत अली की पैदाइश हुई है ठीक है चलिए आगे चलते हैं Uh, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा आया है अब्दुल्ला इबिन उमर के तल्लु से अब्दुल्ला इबिन उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में उमर बिन खत्ताब के दौर में बहुत बहुत ये बहुत गहरी हदीस और जैद बिन हारिसा के फजीलत में बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है उमर बिन खत्ताब के दौर में अब्दुल्ल इबिन उमर जो बेटे हैं उमर के उमर बिन खत्ताब खलीफा हैं उनकी बेटी अब्दुल्ल इबिन उमर वो रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ल्या इबिन उमर एक दफ़ा हज़रत उमर बिन खताब के जमाने में जब उनके दौरे खिलाफत थी, आप थी के, वफात के बाद तो कहा कि, ए ए जान, खलीफा वही थे आप मेरी सैलरी जो फाइटर्स होते थे, उनको सैलरी दी जाती थी हजरत उमर रजी के दौर में और नॉन फाइटर्स होते थे उनको भी सैलरी यानी हजरत उमर के दौर में खिलाफत में हर कोई किसी की सैलरी बंधी हुई थी इस्लामी निज़ाम में ठीक है तो फिर इसके जो फजाइल और फवाइद हैं वो आगे हम बयान करेंगे इनशाला वक्त तो जैद बिन हारिसा के बेटे अब ये बहुत बाद की बात है तो जैद बिन हारिसा का इंतकाल हो चुका है इस हदीस के बयान करने के वक्त और उनके बेटे जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा इबन जैद इनका भी जिक्र सीरत में आएगा इन हुजूर की जिंदगी के आखिर दौर में उसामा इबन जैद की सैलरी जो है हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे से डबल कर दी थी अपने बेटे से डबल रखते थे तो अब्दुल्लाबिन उमर ने अब खलीफा के बेटे होने के बावजूद इनकी सैलरी बड़ी कम थी तो अपने अब्बा से शिकायत की कि अब्बा आप हमारी सैलरी बड़ी कम रखते हैं गुजारे में जरा मुश्किल हो जाती है और उसामा इबन जैद की जो है सैलरी आपने हमसे डबल रखी हुई है हालांकि मैं उनसे पहले इस्लाम कबूल किया हूँ मैं उनसे पहले जो है अल्लाह के रसूल सल्लाम के साथ जंगों में शामिल रहा हूँ इस्लाम की खिदमत की है तो आप यानी कि उनकी सैलरी डबल और हमारी जो है उनके हाफ क्यों रखते हैं तो उमर बिन खताब ने कितना बेहतरीन जवाब दिया है और ये बिन की में यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी حجت है उमर बिन वसल्लम को तुमसे ज्यादा महबूब थे है ना उसामा बिन जैद जो जैद बिन हारिसा के बेटे हैं उसामा बिन जैद तुमसे ज्यादा अल्लाह के रसूल वसल्लम को महबूब थे और हो रहा है। जैद बिन हारिसा अल्लाह के रसूल सलम को तुम्हारे बाप यानी मुझसे ज्यादा महबूब थे यानी उमर बिन ख़त्ताब खुद फरमा रहे हैं कि जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह के रसूल को मुझसे भी ज्यादा महबूब थे यानी अल्लाह के रसूल सल्ला जैद बिन हारिसा से उमर बिन खत्ताब से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे और उमर बिन खत्ताब का कायदा था कि वो सैलरी जो है वो अल्लाह के रसूल सलील वसलम की मोहब्बत के हिसाब से देते थे ठीक है अब ये एक अलग इशू है हम इनशा इस पे आगे बात करेंगे ये इसका लीगल इस बात की लीगल क्या हैसियत है वो आगे बात करेंगे यहाँ पे मौका नहीं है लेकिन इससे समझ में आती है बात की जैद बिन हारिसा का, का अल्लाह के रसूल सल्लाम की मोहब्बत और फजीलत के सेंस में उमर बिन खत्ताब से भी ऊंचा मुकाम है तो ये बहुत ऊँची बात है बहुत गहरी बात है और इससे जैद बिन हारिसा की फजीलत की यूँ समझ लीजिए कि पूरी स्टोरी खत्म होती है यहीं पे मैं इंशाला ये पूरी स्टोरी को क्लोज करता हूँ जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें इस स्टोरी से मिले हैं वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी और अख्लाक कितनी जबरदस्त थी कि जैद बिन हारिसा इस तरह मुतासर हुए और इस तरह जैद बिन हारिसा को गुलाम होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा मुकाम दिया और इस तरह जो है सहाबा जैद बिन हारिसा को हिब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे यहाँ तक कि सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज गुजारिश करनी होती थी एक दफा का मौका है तो सहाबा यानी यंग साहबा ने कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ डिमांड करनी थी तो यंग साहबा ने कहा कि जवान लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल को अली हैं तो अली के पास चलते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिफारिश करवाते हैं तो साहबा की जमात जो है अली रजी अल्लाह के पास आई तो अली रजी अल्लाह ने वो बात सुनी और कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये बात अल्लाह के रसूल से कहूँ तो क्यों ना हो तुम हिब्बुल नबी के पास जाओ यानी जैद बिन हारिसा के पास क्यों ना जाओ

बल्कि अगर आप महसूस करते थे कि मेरे इस एक्शन से सामने वाली की बेचैनी दूर हो जाएगी तो आप वो एक्शन ले लेते थे ठीक है यानी इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के अंदर की एक फीचर ये समझ में आया कि आप सामने वाले की दूसरों की जो कि आपसे रिलेटेड ना भी हो जिनसे आपका कोई बेनिफिट वाबस्ता ना भी हो जिनसे कोई मतलब भी नहीं हो आपको उनकी भी छोटे छोटे जज्बात और इंट्रिकेसीज का ख्याल रखते थे ठीक है तीसरी इंपॉर्टेंट बात जैसा कि मैंने दौरान लेक्चर भी बयान किया कि हर वक्त हर मौके पे इखलाक के आला मरातब पे कायम रहना ये बहुत मुश्किल काम होता है आप कभी कभी तो बहुत अच्छे इखलाक के साथ जी सकते हैं आप कभी कभी तो बहुत हुसन सलूक कर सकते हैं लेकिन जिंदगी में हर मौके पे हर वक्त जो है हुसन सलूक को और अखलाक को बुलंद मैार के साथ कायम रखना ये बहुत मुश्किल होता है कभी ना कभी इंसान को गुस्सा आ ही जाएगा कभी ना कभी इंसान जो है गिरी हुई बात कर ही देता है कभी ना कभी गुस्से में कुछ ऊंच नीच कर ही देता है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्हसम का किरदार ऐसा था कि आप किसी सूरत में भी अखलाक के बुलंद म्यार से कभी नीचे नहीं उतरते थे आपका अखलाक इस तरह हमेशा कांस्टेंट रहता था चौथी इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेचर में ये चीज़ शामिल थी कि आप कमजोर लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे उनके जज्बात का बड़ा ख्याल रखते थे उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे उनकी मदद करना चाहते थे है ना उनकी ख्वाहिशात का उनकी कमजोरियों का उनकी जो यूं कह लीजिए कि सलाहियतों का सबका ध्यान रखते थे किसी के ऊपर जबर नहीं करते थे तो ये सारी चीज़ें जो इखलाकी ख़ूबियाँ हैं आप की इस पर यानी इंसान बातें करता रह जाए बातें ख़त्म नहीं हो सकती और आप में से अक्सर लोग इन बातों को जानते हैं तो लिहाजा मैं यहीं पर अपनी बात को इनशाला ख़त्म करूँगा और ये जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हमें ज़ैद बिन हादसा की ज़िंदगी से मिले हैं अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तैयारी उनको उनके कुछ हिस्से पे भी और आप के कर वो एस्पेक्ट जो हमें यहाँ से पता चला उसके कुछ हिस्से पर भी अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए इन श्ल्ल तगला लेक्चर जो हमारा होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि के ऊपर जो वही का सिलसिला शुरू होगा नबूवत जो आपको मिलेगी उससे रिलेटेड जो है हम इन शी बात करेंगे यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कुछ सवाल आपके दो तीन मिनट चार मिनट ले लूँगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को शरफ़ कबूलीत बख्शे और जो बातें भी हमने की हैं उस पर अमल की तोफ़ी क़ता फरमाए व आखिर